पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में मिल जाए तो हम सिफारिश करेंगे कि देश में उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा। कर लें पूरा समाजवादी पार्टी का विलय कर दें तो उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा। देखिए मुझे ये लगता है कि ये जैसे कोई मजाक टाइप का हो रहा है। और हकीकत भी लग रही मुझे, जिस कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश को तोड़ा हो और वही जोड़ने की बात कर रही है। आज़ाद भारत जब हुआ तो पाकिस्तान का बंटवारा नेहरू जी ने कुर्सी के खातिर किया और शायद प्रधानमंत्री की लालसा उनके अंदर नहीं होती तो देश का शायद बंटवारा नहीं होता। और इसलिए आज वो जोड़ों की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत जानता है, भारत की जनता जानती है कि पहले जिसको तुम तोड़ चुके हो उसको अब जोड़ने का क्या मतलब है। तो ये मजाक है देश के साथ और देश की जनता के साथ। मुझे ध्यान है कि पिछले चुनाव में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार की तरह ही पूरे देश में दौरा कर रहे थे और विपक्ष को जोड़ने की एक उन्होंने कवायद शुरू की थी। बाद में उस प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया। आज वो राजनीति के हाशिए पर है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का जो है समय आ गया है कि बहुत लोगों को धोखा दे चुके हैं, अब समय आ गया है कि उनको जनता धोखा देने के लिए तैयार बैठी है। निश्चित रूप से बिहार में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी